कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल के आयात में तेज उछाल आने के कारण भारत का खाद्य तेल आयात नवंबर में 34% बढ़कर 15,29,000 टन हो गया है। उद्योग संगठन सी ने ये जानकारी दी है। सोलवेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सी ने बुधवार को तेल विपणन वर्ष 2022-23 के पहले महीने नवंबर के लिए खाद्य तेल और गैर खाद्य तेल सहित कुल वनस्पति तेलों के आयात के आंकड़े जारी किए हैं। उन आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2022 में वनस्पति तेलों का आयात 32% बढ़कर 15,45,540 टन हो गया है, जो पिछले साल इसी महीने में 11,73,747 टन था। सी ने कहा है कि कुल वनस्पति तेल आयात में से खाद्य तेलों का हिस्सा इस साल नवंबर में बढ़कर 15,28,760 टन हो गया है, जो 2021 के इसी महीने में 11,38,823 टन था। अखाद्य तेलों का आयात नवंबर में 52% घटा है और वो घटकर 16,780 टन रह गया है, जो एक साल पहले 34,924 टन हुआ करता था। सी ने कहा है कि इसके अलावा खाद्य तेलों की श्रेणी में कच्चे पाम तेल का आयात एक महीने में सबसे अधिक रहा है। भारत में भी नवंबर 2022 में रिकॉर्ड 9,31,180 टन सीपीओ का आयात किया गया है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 4,70,160 टन रहा था। सीपीओ आयात का पिछला उच्चतम स्तर अक्टूबर 2015 में 8,78,137 टन था, जो कि अब 9 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं आरबीजी पामोलिन का आयात नवंबर में बढ़कर 2,02,248 टन हो गया है, जो पिछले साल इसी महीने में 58,267 टन था। सूरजमुखी तेल का आयात भी बढ़ा है और वो बढ़कर 1,25,024 टन से बढ़कर 1,57,700 टन हो गया है। कच्चे सोयाबीन तेल का आयात भी नवंबर 2021 में 4,74,160 टन से घटकर महीने में 2,29,373 टन रह गया है। सी ने आरबीजी पामोलिन के अत्यधिक आयात पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि यह घरेलू रिफाइनरी कंपनियों को प्रभावित कर रहा है। एसोसिएशन ने कहा है कि सीपीओ और रिफाइंड तेल के बीच 7.5% का मौजूदा आयात शुल्क अंतर सीपीओ के विपरीत हमारे देश में रिफाइंड पामोलिन के आयात को प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने ये कहा है कि ये कहने की जरूरत नहीं कि तैयार माल का यह आयात राष्ट्रीय हितों के विपरीत है और घरेलू पाम रिफाइनिंग उद्योग की क्षमता उपयोग को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। सी का कहना है कि पामोलिन आयात में वृद्धि का मुख्य कारण निर्यातक देशों यानी मलेशिया और इंडोनेशिया द्वारा अपने उद्योग को दिए जाने वाला प्रोत्साहन है। उन्होंने कच्चे पाम पर उच्च निर्यात शुल्क और पामोलिन पर कम निर्यात शुल्क रखा है। सीपीओ और रिफाइंड पामोलिन के बीच 7.5% का आयात शुल्क अंतर आयात को रोकने के लिए अपर्याप्त है। एसोसिएशन ने आरबीजी पामोलिन पर आयात शुल्क 12.5% से बढ़ाकर 20% करके सीपीओ और आरबीजी पामोलिन के बीच 15% शुल्क अंतर बनाने की पुरजोर सिफारिश की है। सी ने कहा है कि देश में कुल आयात प्रभावित नहीं होगा और इसका खाद्य तेल मुद्रास्फीति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत यह हमारे देश में तेल पराई मिलों के क्षमता उपयोग और रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा। यह प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप ही होगा। अक्टूबर में दरअसल समाप्त विपणन वर्ष 2021-22 में भारत का खाद्य तेलों का आयात इससे पिछले वर्ष के 131,03,000 टन से बढ़कर 140,03,000 टन हो गया। मूल्य के लिहाज से खाद्य तेलों का आयात 2021-22 में 34% से बढ़कर लगभग 1,57,000 करोड़ रुपए का रहा, जो 2020-21 में 1.17 लाख करोड़ रुपए का हुआ करता था। दरअसल देश अपनी घरेलू मांग का लगभग 60% आयात करता है और भारत द्वारा इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से पाम तेल का आयात किया जाता है और सोयाबीन का तेल अर्जेंटीना और ब्राजील से आता है, जबकि सूरजमुखी का तेल यूक्रेन और रूस से आयात किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।